हे गाइस, वेलकम बैक इन CWEH ऑनलाइन स्टडी सपोर्ट। मैं हूं राहुल कुमार, जो कि आप लोगों के लिए लाता हूं बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस, स्टडी मटेरियल्स, टिप्स, ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को सी फर्स्ट करके और हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दे ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आपको फेसबुक पे मिल सके। और अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन दबा दे ताकि मैं आपको बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोज़ प्रोवाइड कर सकूँ। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास टेंथ के लिए, जो कि मतलब CBSE और बिहार बोर्ड दोनों के लिए या फिर किसी भी बोर्ड के लिए। मैं आज टॉप 10 क्वेश्चंस लेके आने वाला हूँ कि कौन से क्वेश्चंस हैं टॉप 10 कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स के, जो कि हर एग्जामिनेशन में हर बार रिपीट किए जाते हैं या उससे संबंधित, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो मैं उन क्वेश्चंस को लेके आने वाला हूँ आप लोगों के सामने। और उसके साथ ही अगर आपको उसके सॉल्यूशंस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में भी आप आ सकते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पिछले ईयर भी मैंने ये वीडियो, इस तरह के वीडियो बनाए थे और बहुत सारे उस वीडियो पे व्यूज़ गए थे, बहुत सारे लाइक गए थे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अगर वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक करें। और अगर आपको आंसर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आए या आप अपने किसी भी तरह के सुझाव भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। हमारे साथ आप बने रहें। यहाँ पे दो एक्सरसाइज का मैंने क्वेश्चन दिया है, फिर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं इसके आंसर्स का भी वीडियो अपलोड करूँगा और इसके साथ ही आपको फिर से चैप्टर वाइज बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा। मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सारे जो क्वेश्चंस हैं वो बिहार बोर्ड और CBSE दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैंने दोनों लैंग्वेजेस में इसको लिख के दिया है और उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस 2010 से लेके 2019 तक कम से कम 5 से 6 बार रिपीट किए गए हैं, जो कि आप जाके चेक भी कर सकते हैं। अलग अलग सेटिंग्स में और अलग अलग सेट्स में ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ ही अगर आप इसके आंसर जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे दें, और अगर आप इसके आंसर नहीं जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसके आंसर के लिए अपील करें। मैं इसके लिए वीडियो बहुत जल्द से जल्द आप लोग के लिए लेके आऊँगा। सबसे जो फर्स्ट मैंने दिया है इलेक्ट्रिसिटी का, मैंने यहाँ पे 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। उसके बाद इधर मैंने लाइट का यानी प्रकाश का जो एक्सरसाइज है उसके लिए 5-6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले मैं हिंदी में बोलूँगा और फिर इंग्लिश में बोलूँगा। ये क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लें चैप्टर पढ़ते के साथ। ए मीटर बोला जाता है, अमीटर जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी को मापते हैं और जिससे हम वोल्टेज को मापते हैं उसको वोल्ट मीटर बोला जाता है, ठीक है। पोटेंशियल को मापते हैं उसको वोल्ट मीटर बोला जाता है। तो ए मीटर को श्रेणी क्रम संयोजन तथा वोल्ट मीटर को समांतर क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है। क्यों? वाई इज अ मीटर कनेक्टेड इन सीरीज कम्बिनेशन बट वोल्ट मीटर इन पैरेलल कम्बिनेशन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम के नियम को लिखकर प्रमाणित करें, राइट एंड प्रूफ ओम्स लॉ। देखिए, अगर आपने अभी तक चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तो इन सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से और पॉइंट्स को समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत टोस्टरों में शुद्ध धातु के स्थान पर मिश्र धातु का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? वाई इज एन अलॉय इज प्रिफर्ड इन टोस्टर्स टू ए मेटल, मतलब मेटल के अकॉर्डिंग यहाँ पे अलॉय को क्यों प्रिफर किया जाता है टोस्टर्स वगैरह में। यहाँ पे इलेक्ट्रिक आयरन भी दे सकता है, विद्युत स्त्री भी दे सकता है। प्रतिरोधों का संयोजन क्या है? व्हाट इज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज, राइट इट्स टाइप्स। मैं पहले ही आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इसके आंसर्स जानते हैं तो आप कमेंट में आ सकते हैं, लाइक मिलेगा और इसके साथ ही मैं आपके आंसर्स को कंट्रीब्यूट भी कर सकता हूँ। उसके बाद है कि अगर आपको इसके आंसर्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में तो आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होंगे ही जो आंसर करेंगे इसका। और अगर नहीं मिलेगा तो मैं इसके लिए वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? व्हाई इज एन इलेक्ट्रिक बल्ब फिल्ड विथ नॉन रिएक्टिव गैसेस, ठीक है। तो केवल ये 5 ही क्वेश्चंस नहीं है, और भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे जिसमें आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। तो ये 5 क्वेश्चन मैंने इलेक्ट्रिसिटी का दिया, जो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कम से कम पिछले 10 ईयर्स में लगभग 5 से 6 बार या अलग अलग सेट्स में पूछा जाए तो लगभग 8 से 9 सेट्स में ये क्वेश्चन आए हैं बिहार बोर्ड और CBSE वगैरह मिला के। तो चैप्टर नेम अब लाइट है। लाइट में सबसे फर्स्ट है प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखे। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट इट्स रूल्स। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखे। राइट व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, राइट इट्स रूल। पार्श्विक विस्थापन क्या है, व्हाट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट आपको प्रकाश के अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में पढ़ना है। मैं तो आंसर ही कर रहा हूँ, चलिए इसका आंसर थोड़ा सा कर देते हैं। जब ग्लास स्लैब यानी कांच की आयताकार सिल्ली से प्रकाश का अपवर्तन करवाया जाता है तो जो आने वाली किरण है और जो निकलने वाली किरण है, जो रेज है एक आने वाली और एक निकलने वाली, वो दोनों एक दूसरे से पैरेलल जाती है और उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलता है।
बोलते हैं। पार्श्व विपरिवर्तन क्या है, व्हाट इज लेटरल इन्वर्शन। तो लेटरल इन्वर्शन जब हम किसी प्लेन मिरर जब हम किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमारा लेफ्ट हमारा राइट हो जाता है और हमारा राइट हमारा लेफ्ट हो जाता है, यानी कि जब हमारा बायां हमारा दायां हो जाए और दायां बायां हो जाए, तो इस घटना को जो कि प्लेन मिरर में होती है लेटरल इन्वर्शन यानी कि पार्श्व विपरिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है विवग्योर क्या है, व्हाट इज विवग्योर, या फिर इस तरह से भी क्वेश्चन इसमें करता है कि विवग्योर के प्रत्येक लेटर को आप बताइए कि कौन सा कलर है, ठीक है, राइट इज कलर या राइट कोड फॉर इच लेटर ऑफ विवग्योर, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन देता है। आज मैं 11 क्वेश्चन आप लोग के लिए लेके आया हूँ, बताने वाले समय में बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊँगा। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर नहीं किया है तो शेयर करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया तो दबा दें, और वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें ताकि जितना ज़्यादा व्यूज आएगा मैं उतना ज़्यादा रेगुलर आप लोग के लिए वीडियोज़ लेके आऊँगा। चलिए तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसके पहले आप यहाँ से सर्कल दबा के आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर और भी वीडियोस जो बेल बॉक्सेस में दिख रहा है आप उसको भी जाकर देख सकते हैं, इसके बहुत सारे लाइक्स हैं। चलिए तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।